डॉक्टर दिलीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर से। और जैसे कि आजकल जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, करते हैं विशेषकर सब्जियों की है, फलों की पौध तैयार करते हैं, जो सजावटी पौधे हैं उनकी तैयार करते हैं। अब एक पौध तैयार करने का एक तरीका होता है कलम से। कलम कई प्रकार की होती हैं। अब जैसे कि एक ये पौधा है गुड़हल का, इसको इंग्लिश में चाइना रोज बोलते हैं। तो इसमें एक हार्डवुड लेते हैं जिसको कहते हैं सख्त कलम। और इस तरह के सख्त कलम और कौन कौन से पौधे हैं, जैसे कि अपने गुलाब है, अंजीर है, शहतूत है, अंगूर है और गुड़हल है, इनमें सख्त कलम लेते हैं जो लगभग एक वर्ष पुरानी होती है, जिसकी मोटाई पेंसिल के बराबर होती है, जैसे उंगली के बराबर उसकी मोटाई होती है, और लगभग 25-30 सेंटीमीटर लंबाई में लेते हैं। इस कटिंग को फिर तैयार कैसे करते हैं? अब जो नीचे की कलका होती है उसके नीचे कट लगाते हैं, जैसे कि इस तरह से सिक्योरिटी की सहायता से कट लगाते हैं। और फिर जो ऊपर कट ऊपर की जो कलका है वहाँ से थोड़ा सा सलांटिंग पोजीशन में, जैसे ये कट कलका है इससे जस्ट ऊपर सलांटिंग पोजीशन में एक कट लगाते हैं। तैयार है। अब इसमें जल्दी जड़ पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हार्मोन आता है जिसको कि इंडोल बुटायरिक एसिड कहते हैं, और जो बाज़ार में सेरेडेक्स है, रूटेक्स है, इस नाम से मिलता है। तो उस वो जो तैयार फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, उसको एक प्लेट, जैसे कि चौड़ी प्लेट में ले लेते हैं। और जैसे कटिंग इस तरह की हमने 40-50 कटिंग इकट्ठी कर ली, उनका बंच बनाया और उनको नीचे से इस तरह से गीला किया, इस तरह से गीला करते हैं। और जो इंडोल बुटायरिक एसिड है जो कि जड़ पैदा करने में सहायक होता है, उसमें थोड़ा सा बस इस तरह से इसको टच कराते हैं, और जो ज़्यादा है उसको थोड़ा सा झड़कार लेते हैं। फिर जो भी हमारी जैसे कि इसको लगाते हैं और उसको पूरा भर देते हैं। अगर ये थैली थोड़ी सी और बड़ी होती है तो ज़्यादा सही रहता है। अब इसको इस तरह से अब यहाँ ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ सूरज का प्रकाश कम मिले, क्योंकि एक डेढ़ महीने में जाके इसमें पता लगेगा कि इसमें जड़ बनी कि नहीं, क्योंकि उस समय फुटान भी आ जाएगा और इस तरह से इसमें जड़ भी बन जाएंगी और ये पौधा तैयार देखने के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहाँ इससे पहले ये इस तरह की कटिंग्स लगाई थी और 20-25 दिन बाद इस तरह की पोजीशन है, ये इनमें कड़े जड़ें सफलतापूर्वक बन गई हैं और इनमें फुटान हो गया है। अब इस तरह से अगर जो नर्सरीज होती हैं प्राइवेट, उन पर 125 से 150 रुपये का एक पौधा मिलता है। तो ये भी एक आमतौर पर एक घरेलू स्तर पर हम पौधे तैयार कर सकते हैं और एक बिजनेस के रूप में भी हम इस तरह से पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये सहजन के पौधे हमने 20 से तैयार करे, यहाँ पपीता है, सब्जियों की पौध भी तैयार कर रखी है, जैसे कि टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, फूल गोभी है, अपने पपीता के बहुत उन्नत किस्म के पौधे हैं, रेड लेडी 786 है, ये भी जो कि एक अच्छे हैं, जो कि कम समय में किसान को ज़्यादा आमदनी दे सकते हैं, और ये लगभग हम इसको बेच रहे हैं एक है 30 रुपये का। इसी तरह से हमने एक सजावटी पौधा, जैसे किसी से कहते हैं अमलतास, उसके बीजों को इकट्ठा करके इस ये पौधे तैयार करें। ये अमलतास के पौधे हैं जिसमें कि गर्मियों के मौसम में एकदम पीला फूल आता है, पूरा का पूरा पौधा पीला हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने घर पर भी पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे हमने पौधे तैयार कर रखे हैं, ले सकते हो। वहाँ हमारे बाहर से भी हमने पौधे मंगाए हैं, लेमन के हैं, बारहमासी लेमन के हैं, अमरूद में रेड इलाहाबादी सफ़ेदा हैं, करौंजा में पिंक है, इस तरह के पौधे हैं हमारे पास, शहतूत के हैं, हमने ये भी हमारे यहाँ बगीचा है उसमें कृषि विज्ञान केंद्र का, वहाँ लगवा रहे हैं। चीकू के पौधे हैं, काली पत्ती किस्म के हैं, इस तरह से हम यहाँ काम करते हैं। तो किसानों को भी हम मोटिवेट करते हैं और जो हमारे कृषि महाविद्यालय के, अपने विश्वविद्यालय के जहाँ भी इतने छात्र हैं वो भी यहाँ 2-3 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आते रहे, उनको भी हम एक तरह से यहाँ एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान उनको भी प्रदान करते हैं।